अब आप सवाल करेंगे कि 250 कैसे हो गया, ये 230 कैसे हो गया, 220 कैसे हो गया, 200 कैसे हो गया। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी मालिक का काम खराब होगा ना किसी मिस्त्री को लॉस होगा, ना किसी को काम छोड़ के भागना पड़ेगा। ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेलो फ्रेंड, आप देख रहे ब्लिंक कंस्ट्रक्शन टेक, आपका दोस्त मोहम्मद अंसार। दोस्तों मैं आज आप लोगों को बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। और अभी तक तो जो मेरा चैनल नए है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आप गौर से देखिएगा और ध्यान देकर सुनिएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, जैसे क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि हम लोग जो घर का काम लेते हैं, यानी मकान का काम लेते हैं, ऑल फिनिशिंग का काम लेते हैं, तो हम लोग कितना रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से काम लें। क्योंकि हमारे किशनगंज में 550 रुपया मिस्त्री का चार्ज है और 450 रुपया लेबर चार्ज है, यानी कॉस्ट है, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों को क्या रेट लेना चाहिए, जो हम फिर से बता रहे हैं कि 550 रुपया मिस्त्री का और 450 रुपया लेबर का कॉस्ट है, तो हम लोग किस हिसाब से काम लें। अगर इसमें कोई अदर स्टेट का है, अगर वहाँ का अगर मिस्त्री और लेबर का कॉस्ट कम और ज़्यादा हो तो वो भी ध्यान दीजिए, उसके तहत आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि हमको क्या रेट में काम लेना चाहिए। तो हम अभी जो कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 550 रुपये मिस्त्री और 450 रुपये लेबर कॉस्ट हो तो क्या स्क्वायर फीट पर हम लोगों को काम लेना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, मेरा कहने का मतलब, अगर देखिए प्लॉट को ध्यान दीजिए, अगर एक प्लॉट है, ये प्लॉट है, ठीक है, तो ये प्लॉट कितना, 5000 यस क्यू एफ टी, यानी स्क्वायर फीट का प्लान है, ठीक है। तो 5000 स्क्वायर फीट का अगर प्लान है, यानी घर है, एक्चुअल क्या है 5000 स्क्वायर फीट का, 100% में जो है 5% ही बनाता, जो पैसा वाले लोग होता है फ्लैट वगैरह बनाता वही, ठीक है। तो मैं इसी के माध्यम से मैं समझाना चाहूंगा, ठीक है। तो 5000 स्क्वायर फीट का अगर आप काम लेते हैं तो आप 200 रुपीस पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप ले सकते हैं, ठीक है। 200 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप ले सकते हैं। अब देखिए, अगर यह बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, हम एक पार्टीशन कर रहा हूं, ठीक है, तो अब देखिए ये मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का प्लान है, ये भी 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 1000 स्क्वायर फीट, सब अटैच है 5000 स्क्वायर फीट, ठीक है। कितना बोले, 200 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पे सिर्फ 2000 स्क्वायर फीट ही आ जाए तो हम लोगों को क्या रेट लेना चाहिए। तो 2000 स्क्वायर फीट आ जाए, देखिए ये क्या है, 5000 स्क्वायर फीट का हम बताएं, अगर 2000, ये तो हम 5000 बता दिए, अगर 2000 स्क्वायर फीट का आ जाए तो आपको क्या लेना चाहिए, क्या रेट लेना चाहिए, 220 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेना चाहिए। अगर आपको 1000 स्क्वायर फीट का ही प्लान मिलता है तो क्या रेट में लेना चाहिए, 230 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से लेना चाहिए। अगर आपको 600 स्क्वायर फीट का या 500 स्क्वायर फीट का प्लान मिल जाए तो आपको क्या रेट में लेना चाहिए, 250 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेना चाहिए। अब आप सवाल करेंगे कि 250 रुपया कैसे हो गया, ये 230 कैसे हो गया, 220 कैसे हो गया, 200 कैसे हो गया। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम ये मिस्त्रियों से गुजारिश है और हम चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ना किसी मालिक का काम खराब होगा, ना किसी मिस्त्री को लॉस होगा, ना किसी को काम छोड़ के भागना पड़ेगा। ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों इस वीडियो को
एंड तक और अच्छी तरीके से देख लें और नेक्स्ट टाइम जो है आप लोग धोखा नहीं खाएंगे। अभी क्या रीजन है कि 250 रुपया स्क्वायर फीट ले काम एक ही है सब, क्या रीजन है कि इतना कम बेस, कहाँ 200 कहाँ 250 क्यों? तो फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो दोस्तों आप रीजन समझ लीजिए, ये 5000 स्क्वायर फीट का प्लान हम बताएं, ठीक है। तो चलिए हम 20 का कॉलम नहीं बताएंगे, डायरेक्ट कॉलम ही कर लेते हैं, डायरेक्ट छोड़ दीजिए 20 का, इतना ड्राइंग के हिसाब से कॉलम हम नहीं बताएंगे डायरेक्ट। अब देखिए इस 1000 स्क्वायर फीट में हम क्या कर लिए, ये पूरा हम कॉलम दे दिए, क्या किए 1000 स्क्वायर फीट का, हम ये 1000 स्क्वायर फीट का काम अगर लेते थे पूरा कॉलम देना पड़ेगा ना, पूरा कॉलम हम दे दिए। अब क्या किए इस 1000 स्क्वायर फीट को हम इसका बना लिए, अब इसको हम बनाएंगे, क्या कर लिए ये 1000 स्क्वायर फीट का हम कॉलम पूरा दे दिए, हम अलग अलग प्लॉट को लिए हैं, ठीक है। मान लेते हैं इसको आप लेते हैं, ठीक, क्या किए एक प्लॉट दो प्लॉट तीन प्लॉट का काम किए 3000 स्क्वायर फीट और तीनों प्लॉट का अलग अलग कॉलम दे दिए। अब ये खाली है तो कॉलम तो हमको देना पड़ा लेकिन ये खाली है, अगर हम इसका इसमें अगर कंस्ट्रक्शन का काम करते तो ये कॉलम मेरा काम में आ जाता है, बात को गौर से समझिएगा, ये कॉलम मेरा काम में आ जाता है, इसी कॉलम में ये बीच वाला पर्सन का काम हो जाता है, इसी कॉलम में बीच वाला पर्सन का काम हो जाता है, तो जो इसमें खर्च आता है वो खर्च हमारा इसमें कन्वर्ट होता है, किसमें, इसमें कन्वर्ट होता है जो खाली पर्सन है, बात को समझ रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या बताएं, देखिए यहाँ जो हम बताएं क्या बताएं, ये 250 वाला छोड़िए, यहाँ 1000 स्क्वायर फीट का जो प्लान हम बताएं कि 230 रुपया, तो 30 रुपया हम कम क्यों करते हैं, 30 रुपया हम इसलिए कम करते हैं, बात को समझिए, 5000 स्क्वायर फीट का प्लान है, 5000 में अगर हम 30 रुपया कम करते हैं तो मतलब सीधा होता है, हम बता रहे हैं 5000 में इंटू 30 के हिसाब से 5 तिया 15 मतलब कितना हो गया 1.5 लाख रुपए, कितना हो गया 1.5 लाख रुपए कम हो जाता है। तो 1.5 लाख रुपए कम करने का कारण क्या है कि इसमें जो है ये देखिए यहाँ ये प्लान का, बात को ध्यान दीजिए, ये प्लान का ये कॉलम जो है इस प्लान में काम आ जाता है, यानी ये साइड वाला काम जो है इसका काम अगर करते हैं तो इस साइड वाला ना कॉलम या दीवार कुछ खड़ा नहीं करना पड़ेगा, जो प्लॉट के अंदर रहेगा वही करना पड़ेगा, साइड वाला का खर्च आपका माइनस आ जाएगा, इस प्लॉट का ये साइड वाला खर्च जो ये साइड में जो कॉलम है ये आपका खर्च माइनस आ जाएगा, इसलिए वो खर्च माइनस करने के लिए हम 30 रुपया को माइनस कर दिए, इसलिए 200 रुपया के हिसाब से मेरा काम हो जाएगा, शायद इसमें आप लोगों को समझ में आया होगा, फिर भी नहीं आया होगा तो फिर से हम अब दूसरा ट्रिक से बताना चाहूंगा। दूसरा ट्रिक ये है कि कोई मालिक कहा कि हमको जो है 1000 स्क्वायर फीट का क्या करना है, घर बनाना है, कितना 1000 स्क्वायर फीट का घर हमको बनाना है कोई मालिक कहा, तो अब देखिए हम आपको क्या बताएंगे, 1000 स्क्वायर फीट का प्लान का काम लेते हैं तो आपको 230 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से लेना चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट का काम लेते हैं तो 230 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से लेना चाहिए, ठीक है, हम ये बताएं आपको। तो कोई कहा कि हमको 1000 स्क्वायर फीट का घर बना दीजिए, आपने क्या किया, हम 230 के हिसाब से लेने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, इसलिए 230 के ही हिसाब से हम बता रहे हैं, ठीक है, उससे कम लीजिएगा तो आप लॉस खाइएगा, ठीक। तो सपोर्ट डेट क्या बोला, मान लो किसी तीन भाई है, मैक्सिमम तीन ही भाई समझ लीजिए, तीन भाई है, तो क्या है ये 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने के लिए कहा, घर में जो अभी नक्शा हो वो तो करना ही है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक नंबर भाई है, दूसरा नंबर इस यहाँ पे है, वो नहीं बनाना चाहता है, तीसरा नंबर घर बनाना चाहता है, तो इसके लिए तो जमीन छोड़ देना पड़ेगा, तो इसको हम छोड़ दिए, तीसरा नंबर बनाना चाहता है, तो इसने भी क्या कहा 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने चाह, तो इसमें आप क्या किए, जो भी हो जैसे भी नक्शा हो, ठीक है, इसमें भी क्या किए आप 200 के हिसाब से 230 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से
आप क्या किए, काम ले लिए, ठीक है। अब 230 230 हो गया, हम लेने के लिए बोले 230 के हिसाब से, 1000 स्क्वायर फीट का प्लान है तो 230 के ही हिसाब से ले जाने, तो आप नुकसान में जाइएगा या फिर काम छोड़कर भाग जाना पड़ेगा। तो 230 रुपया स्क्वायर फीट हो गया। तो पहला नंबर भाई जो है घर बना लिया, तीसरा नंबर घर बना लिया, और जो दूसरा नंबर है वो बनाना चाहता है तो वो क्या कहे, कहा भाई को, भाई आपका तो यहाँ कॉलम है ही, हम क्या करते हैं यहाँ पे एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम देकर हम घर बना लेते हैं। तो अब देखिए भाई का जो है ये एरिया जो बचा, ये क्या, ये वाल बचा, ये वाल, तो ये वाल जो बचा तो यहाँ तो लेबर कॉस्ट नहीं लगा ना, वो तो कॉस्ट आपका बचा ना, सिर्फ क्या लगा, ये खर्च लगा, ये खर्च, इधर वाला खर्च लगा, लेकिन ये वाला खर्च नहीं लगा। तो उसका मेटेरियल में खर्च तो बचा लेकिन मजदूरी में तो भी बचा। तो इसीलिए ये जो हम आपको 30 रुपया, ये 3000 स्क्वायर फीट है क्योंकि हम 5000 स्क्वायर फीट हो तो अभी 200 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेना है, ये 3000 है, इसलिए हमको कितना लेना चाहिए, 200, कितना लेना चाहिए, 220 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेना चाहिए। कितना है ये हमारा, 3000 स्क्वायर फीट है तो 220 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से लेना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो 230 था तो 10 घटा करके क्या करेंगे, 220 रुपया पर स्क्वायर फीट, ये भी जो 10 घटा करके 220 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से काम करेंगे। अब जो है 10 रुपया जो बचा, तो 3000 स्क्वायर फीट में इंटू 10 रुपया जो बचा तो कितना बच गया, बात को समझ, 3000 में 30000 रुपये आपका बचा। तो इसका मतलब 30000 इसमें मजदूरी लगता, वो मजदूरी बच गया, माइनस हो गया, ये मजदूरी लगता है, ये मजदूरी माइनस हो गया, तो 220 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से काम लेना पड़ा। तो दोस्तों देखिए मेरा कहने का मतलब, फिर मैं वही चीज दोहरा रहा हूं, अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाते हैं तो 230 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आज के डेट में लीजिए, जहां मिस्त्री का चार्ज जो है 550 रुपया और लेबर का चार्ज जो है 450 रुपया है, तो इससे अधिक है तो स्क्वायर फीट ज्यादा बढ़ा करके लीजिए, कम है तो कम लीजिए, वो मिस्त्री चार्ज पर ही है। लेकिन जहां यानी हमारे यहाँ मिस्त्री और लेबर मिला करके 1000 रुपया पर डे देना पड़ता है, 1000 रुपया पर डे 550 450 के हिसाब से, इसलिए हम लोगों को 1000 स्क्वायर फीट का अगर, 1000 स्क्वायर फीट का अगर कोई भी मकान लेते हैं तो पार्टी से जो है 230 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लीजिए। अगर जहां 2000 स्क्वायर फीट का प्लान है तो 220 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हर हालत में लें, 2000 3000 तक अगर आता है तो 220 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लें, और अगर 5000 स्क्वायर फीट में आ जाता है या 4000 स्क्वायर फीट में आ जाता है तो आप 200 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ले सकते हैं। तो ज़्यादातर जो है 1000 स्क्वायर फीट के घर बनता है, इसलिए आप जो है जो भी हमारे नए कॉन्ट्रैक्टर, पुराने कॉन्ट्रैक्टर जो भी हो, जो एक्चुअल पुराने कॉन्ट्रैक्टर धोखा नहीं खाते, नए कॉन्ट्रैक्टर जो काम, नया ठेकेदार बनना चाहता है कि हम ठेकेदार बने, वो जो है सुनता है कि फलाना ठेकेदार जो है इतना रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से काम लेता है, चल हम इतना हम अपने हाथों से करेंगे तो कम रेट में कर लेंगे तो चल जाएगा, नहीं, ये प्लान के हिसाब से कितना बड़ा प्लान बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान दें कि 1000 स्क्वायर फीट का प्लान बनाए तो 230 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लीजिए, और नए कॉन्ट्रेक्टर जो भी है उनको आप, उनको जो है ज्यादा 1000 स्क्वायर फीट का प्लान मिलेगा या 700 का मिलेगा या 800 का मिलेगा या 600 का मिलेगा। तो सुन लीजिए 600 वाले, जिसको 600 का प्लान मिलता है वो डायरेक्ट जो है 250 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से काम ले, जिसको 600 स्क्वायर फीट का प्लान मिलता है घर बनाने के लिए वो 250 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से काम ले, नहीं तो फिर घर से मजदूरी ला के दे उसके, या फिर काम खराब करके चले जाए, ठीक है। तो इसलिए 600 स्क्वायर फीट का जो भी प्लान, जो भी मिस्त्री अगर काम लेते हैं या जो भी कॉन्ट्रैक्टर काम लेते हैं वो 250 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से काम ले। लेकिन इसमें देखिए काम लेने की बहुत ही सारी कंडीशन है, ये हम नॉर्मल फाउंडेशन के बारे में बताएं, नॉर्मल
फाउंडेशन, नॉर्मल घर के बारे में बताएं। नॉर्मल घर का, नॉर्मल घर बनाने का मतलब ये है कि आपका 16 mm का बार, जैसे कि 10x15 का कॉलम होगा या 10x10 का कॉलम होगा, बस यही कॉलम वाले प्लान का ये काम है। और हैवी प्लान के लिए थोड़ा ज्यादा चार्ज लगता है, ठीक है, ये नॉर्मल प्लान के लिए है। और इसलिए हम फिर से बताना चाहूंगा कि जो 600 स्क्वायर फीट का काम लेता है वो 250 रुपया सीधा स्क्वायर फीट ले, और जो अगर 1000 स्क्वायर फीट तक लेते हैं प्लान तो वो 230 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से काम ले, उससे कम में ना ले। और फिर लास्ट में ये बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। किसी मालिक का काम खराब होगा ना किसी मिस्त्री को लॉस होगा, ना किसी को काम छोड़ के भागना पड़ेगा। ये बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।